आत्माराम, तुम्हें मालूम है ना, पिछले दिनों दो दो बच्चों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई है। मुजरिम का सुराग तक नहीं मिला। जानती हूं मैं कितना परेशान हूं साहब, लेकिन अरे उसका उसके आदमी के साथ झगड़ा हुआ होगा, या फिर वो ठेकेदार ने उसको मजदूरी नहीं दी होगी, बस इसी बात की वो रिपोर्ट लिखवाने आई होगी। इतनी सी बात, जाओ जाकर खुद निपटा दो। साहब मैंने तो उसको बोला था कि अगर रिपोर्ट लिखानी है तो मुझे बता दे, साहब बहुत बिजी हैं, वो नहीं मिल सकते। पर वो कहने लगी मुझे किसी भी हालत में साहब से जरूर मिलना है, चाहे कितना ही लंबा इंतजार क्यों ना करना पड़े। ठीक है, उसको अंदर भेजो। जी साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ बताओ, क्या बताना चाहती हो? नदी के किनारे बच्चियों की लाश मिली थी ना, मैं उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। बैठो बैठो बैठो। बैठ जा। तुम क्या जानती हो उन लाशों के बारे में? साहब वो आदमी नहीं, राक्षस है, राक्षस। उस दिन जब दरवाजा क्यों पीट रही है, भूचाल आ गया क्या? उससे भी बड़ी बात हो गई। अरे क्या हुआ? वो अपनी मन्नी है ना। मन्नी? कुसुम की लड़की? हाँ। क्यों, क्या हुआ? उसकी लाश मिली है नदी के किनारे। किसी दरिंदे ने उस फूल सी बच्ची की इज्जत लूट के उसे जान से मार डाला। बिल्कुल तेरी तरह ये सुनकर मैं भी हकी बक्की रह गई थी। अभी उम्र ही क्या थी उस मासूम की, 10 की भी नहीं थी। उसके साथ ऐसा कुकर्म करते मन नहीं पिघला उस राक्षस का, कीड़े पड़े उसके शरीर में। अगर उसकी माँ बेटे के साथ भी ऐसा ही हो तो? नहीं नहीं मैं, माँ बेटी किसी की भी हो, भुगतना तो औरत को ही पड़ता है ना। तुम ठीक कहती हो बहन। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे खाना जल्दी ला। लाती हूँ। ये लो खाना खा लो। चाचा जी आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? वो मेरे पापा के टेलीफोन बूथ पे एक खबर आई है कि आपके भैया भाभी के एक्सीडेंट में मौत हो गई। मौत हो गई? ये तो बहुत बुरी खबर है। और लाजू बिटिया? वो तो बच गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। चेटजी और भाभी के अंतिम संस्कार के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। अंतिम संस्कार के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और लाजो बिटिया, उसका तो हमारे सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लाजो को तो मैं ही ले आऊंगा। मुझे अभी निकलना होगा, मैं चलता हूँ। इस हादसे से तो लाजो बिटिया बिल्कुल टूट गई होगी। हम उसे भरपूर प्यार देंगे। चल बेटा चल। चल बेटा, तेरा ही घर है, तुम चाची से। बस बस बस। हम तेरे माँ बाप तो नहीं, लेकिन तेरे चाचा चाची तो है ना। हम तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। दीदी, अच्छा चलो अब अपना बस्ता रखो और खाना खा लो। दीदी भी खाना खाएगी और हम, आप भी खाना खाएंगे। जा जाके मुंह धो ले। तुझे पता है मेरी टीचर ने मुझे बहुत होमवर्क दिया है। मेरी टीचर तो देती ही है। अरे
बस बस इतनी शैतान हो गई है और इसे इसे मैं समझती थी कम है। चाची तुम कितनी अच्छी हो। तू भी तो अच्छी है। तेरे आने से हमारे घर में रौनक आ गई है और दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपकी रहती हो जैसे जुड़वा बहन। कुछ नहीं बेटा, मैं तुझे मिलाऊंगा। आएगी देखा होगा। बच्चियों को उठाती हूँ, चाय का पानी चढ़ाती हूँ। लाजो। अरे रानी के बापू कितनी देर लगा दी नहाने में। चाय ठंडी हो रही है। अच्छा लाजो को देखा है कहीं? लाजो को देखा है? तो चाय पिला रही थी, क्या हुआ? ये क्या है? ला ये मुझे दे रहे। और तू बाथरूम में नल बंद कर दे, जा। जानता हूँ। हाँ, अपनी ही झाड़ का फल था, खा लिया तो क्या हुआ? झाड़ का फल था, खा लिया? अरे अपनी भतीजी का बलात्कार किया, उस मासूम को जान से मार दिया। राक्षस, राक्षस! चुप हो जा। बलात्कारी कर, बाहर निकाली ना। तेरी बेटी के साथ भी वही होगा जो इसके साथ हुआ है, समझी? क्या? क्या? मेरी बेटी के साथ? हाँ, यही होगा। और पड़ोस में कह देना कि नहाने गई थी, पैर फिसल गया, सर पे चोट लगी और मर गई। बोलेगी? बोल, क्या बोलेगी? नहाने गई थी, पैर फिसल गया, सर पे चोट लगी। अब ये राज तेरे और मेरे बीच में रहेगा, समझी? रानी से भी यही कह देना और चला अंतिम संस्कार की तैयारी कर। सुन,
शाहनी की कसम खा, खा कसम, रख मेरे सर पे हो, शाहनी की कसम खा। शाहनी की कसम। चल, 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 संस्कार की तैयारी करो। अरे अब कपड़े ही धोती रहेगी या खाना भी बनाएगी? अभी देती हूँ, बस दो चार कपड़े रह गए, अभी करती हूँ। ये खून का निशान कैसा है? खून? कैसा खून? यही जो तुम्हारे कच्छे पर लगा है? वो वहां पर थोड़ा हो गया था, वही रिस रहा था, उसी का खून लगा होगा। सच सच बताओ, ये खून कैसे लगा? कहीं तुमने फिर किसी के साथ? सारी आराम सारी हर वक्त कहती है ये कहाँ लगा, कैसे लगा, क्यों लगा। अभी तुझे बताता हूँ कि इंसान कैसे लगता है। सच्ची? अरे 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 छोड़ो मुझे, आपको समझते छोड़ो मुझे। याद कर लिया? सुना। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप पे जिन जिन नहीं है, गोविंद दियो दिखाए। ठीक है ना, बलिहारी गुरु आप पे गोविंद दियो दिखाए। अरे क्या ये शोर मचा रखा है, गोविंद बलिहारी हर वक्त पढ़ाए पढ़ाए पढ़ाए। जा जल्दी से जाके गर्मा गर्म चाय बना के ला। पता है ताश खेलने के अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। पापा हाँ। मैं तो स्कूल से आके ही अपना सारा होमवर्क कर लेती हूँ, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। बेटा मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अब इसी वक्त चाय चाहिए। अब तो ये हर वक्त क्या पढ़ती रहती है, तुझे क्या पढ़ लिख के प्रधानमंत्री बनना है? पढ़ लिख कर इंसान तो बन ही जाएगी। इंसान तो बन ही जाएगी। बेटा तू क्यों चुप हो गई, याद करना। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप पे गोविंद दियो दिखाए। शाबाश। माँ अब मैं खेलने जाऊँ? अच्छा ठीक है, तू अपनी किताबें अच्छी तरह रख दे और फिर खेला। और देख घर से ज्यादा दूर मत जाना, घर के करीब ही खेलना। हाँ पापा मैं ना खेलने जा रही हूँ, मेरे पीछे माँ को मत मारना। इसको खेलने को छोटी है।
बोलो। छोटी है, इसको खेलने दो। चीटिंग हो गई है, देखो ना आउट हो गया, गाइड लाइन पे चला गया, देखिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो जीत नहीं है, चीटिंग जीत गई ना। हाँ जीत गई, तो खेल और फिर मैं तुम्हारे लिए चीज लेके आऊंगा। अब मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, ये देख। अच्छा ये चलो हम ये जो टॉफी खाएंगे, टॉफी खाएगी ना। हाँ बेटा आज फिर टॉफी रिया को दोगे? ओहो ये लो, तुम आपस में बांट लो और खेलो वहाँ। रिया नहीं खेलेगी हमारे साथ? रिया बाद में खेलेगी, पहले टॉफी खाएगी। हाँ बच्चे ये सारी की सारी टॉफी तुम्हारे लिए है। हाँ खा बेटा। शाबाश, ये सारी टॉफी तुम्हारे लिए। दर्द कुछ कम हुआ नहीं? चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, कुछ टॉफियां भी दिलाऊंगा तुझे, चल। उसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी बहादुर बेटी है, अभी चुप हो जाएगी। जा जाके घुटना धो ले, फिर मैं हल्दी का लेप चढ़ा दूंगी ना, सारा दर्द गायब हो जाएगा। जा आराम से, आराम से, आराम से, आराम से उठ, आराम से जा, आराम से जा, जा। उसके चोट लग गई थी, उसको बहला रहा था, समझे? आखिर मेरी बेटी है वो। मेरी बेटी है वो? अरे जिसने अपनी भतीजी को नहीं छोड़ा, वो अपनी बेटी के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। बकवास मत कर, मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा आदमी है, और तेरा वो हश्र करूंगी कि तुझे जो अपने ऊपर मर्द होने का गुमान है ना, सब गायब हो जाएगा। और तू मेरे बाल बहुत खींचता है, आज ही मैं अपने बाल काट डालूंगी, और जरूरत पड़ी तो तेरी जबान भी। सच तो ये है कि एक पढ़ी लिखी औरत को तुझ जैसे अनपढ़ से शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय नारी यही सोचकर चुप हो जाती है कि पति कैसा भी हो परमेश्वर होता है। बहुत बकवास करती है तू। झगड़ा करती हो तो मैं शर्म नहीं आती? अरे झगड़ा तू करती है, बाल तू बकवास करती है, और फिर कहती है कि झगड़ा मैं करता हूँ। तुम मेरे बाल बहुत खींचते हो, बाल छोड़ो मेरे, मैं कह रही हूँ बाल छोड़ो। Mm-hmm.
मेरे बाल काट। रानी मेरे बाल काट। के साथ हुआ था, किसी दरिंदे ने इसकी भी इज्जत लूटकर इसे जान से मार दिया। बेचारी मिली भी तो जंगल में किस हालत में। कर लूंगा, समझती क्या है अपने आप को। चला घर तो आए, फिर देखता हूं उसे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी हाँ साहब। शाबाश, तुम बहादुर होने के साथ साथ समझदार भी हो। साहब, मैंने अपनी बेटी की कसम खाई थी कि मैं ये राज हमेशा राज ही रखूंगी, लेकिन आज मैंने अपनी कसम तोड़ दी। वो आदमी जो अपने ही घर में अपनी ही भतीजी का बलात्कार करके उसे जान से मार दे, वो तो सचमुच राक्षस है, जानवर है। क्या तुम गवाही दोगी? जी हाँ साहब, बिल्कुल दूंगी। मुझे अपनी बच्ची के साथ साथ और भी बहुत सी मासूम बच्चियों को बचाना है। ये लो,
इस पर साइन कर दो। काश हिंदुस्तान की हर औरत तुम्हारे जैसी होती।